हे गाइस, वेलकम बैक टू द ट्रेंडिंग टेक। मैं हूं शुभम गुप्ता एंड आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी की, जिसने ना सिर्फ हमारे काम करने के तरीके को इंटरेस्टिंग बनाया बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नज़रिया भी बदल दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑगमेंटेड रियलिटी की। तो चलिए इस अमेजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। जब भी हम ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है आयरन मैन। जी हाँ, आयरन मैन मूवी में इस टेक्नोलॉजी को बहुत ही अच्छे से शोकेस किया गया है। पर आखिर एग्जैक्टली ये है क्या, इसकी शुरुआत कब हुई और ये कैसे वर्क करता है, आइए जानते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि रियल वर्ल्ड में प्रेजेंट एनवायरनमेंट को कंप्यूटर जनरेटेड परसेप्चुअल्स का यूज़ करके एनहेंस कर देती है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो तीन बेसिक फीचर्स को फुलफिल करता है। पहला, रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड का कॉम्बिनेशन। दूसरा, रियल टाइम इंटरेक्शन। और तीसरा, वर्चुअल और रियल ऑब्जेक्ट्स का एक्चुअल 3D रजिस्ट्रेशन। आसान भाषा में कहा जाए तो ऑगमेंटेड रियलिटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके आसपास मौजूद रियल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स को इम्पोज कर देती है, जो आपको एकदम रियल लगता है। अब आपको लग रहा होगा कि इसका इन्वेंशन कुछ साल पहले ही हुआ होगा, पर ऐसा नहीं है। ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले यूज़ की गई थी 1968 में। जी हाँ, 1968 में इवान सदरलैंड ने पहला हेड माउंटेड डिस्प्ले बनाया था, जिसका नाम उन्होंने द स्वोर्ड ऑफ डेमोकल्स रखा था। इसके बाद 1990 में एक बोइंग रिसर्चर टॉम कॉर्डल को इस टेक्नोलॉजी के लिए नाम सूझा और उन्होंने ही इस टेक्नोलॉजी को ऑगमेंटेड रियलिटी का नाम दिया। फिर 1992 में लुईस रोसेनबर्ग ने यूएस एयरफोर्स के रिसर्च लेबोरेटरी में पहला फुली इमर्सिव ऑगमेंटेड रियलिटी सिस्टम तैयार किया था। ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज़ लीगली पहली बार 1998 में नासा के X-38 स्पेसक्राफ्ट में नेविगेशन के लिए किया गया था। अब जब आप समझ गए हैं कि ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है और कब इसकी शुरुआत हुई, तो अब इसकी वर्किंग के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर कैमरा विजन की मदद से ये पता करता है कि यूज़र के आसपास के एनवायरनमेंट में क्या क्या ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं। उसके बाद कंप्यूटर उस एनवायरनमेंट से रिलेटेड रिलेवेंट कंटेंट ढूंढता है जिसे यूज़र के सामने शो करना है। फिर उसे 3D और रियलिस्टिक वे में यूज़र के सामने शो किया जाता है और इस प्रोसेस को रेंडरिंग कहते हैं। ऐसा करने के लिए कैमरा आपके पास मौजूद ऑब्जेक्ट्स की 3D पोजीशनिंग और ओरिएंटेशन का यूज़ करता है। और क्योंकि ये सब लाइव हो रहा होता है, तो जब भी कंप्यूटर को कोई नया फ्रेम मिलता है तो उसे इन सारे प्रोसेस को दोबारा फॉलो करना पड़ता है। आजकल के मॉडर्न डिवाइसेस में ये इतनी तेज़ी से होता है कि ये सब करने में उन्हें सिर्फ 30 मिलीसेकेंड तक का वक्त लगता है, जिसे हमारा ब्रेन भी नोटिस नहीं कर पाता। ये सब करना कंप्यूटर के लिए इतना इजी नहीं था, इसलिए इसके लिए कंप्यूटर साइंस की एक अलग ब्रांच डेडिकेट की गई, जिसे कंप्यूटर विजन कहा जाता है। ऑगमेंटेड रियलिटी को सिमेंटिक्स और 3D ज्योमेट्री दोनों के ही टर्म्स में ये समझना होता है कि यूज़र के आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। सेमेंटिक्स ऑगमेंटेड रियलिटी को ये बताते हैं कि यूज़र के आसपास क्या क्या ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं, और ज्योमेट्री ये बताती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ है। ज्योमेट्री के बिना ऑगमेंटेड रियलिटी कोई भी चीज़ सही जगह और सही एंगल पर डिस्प्ले नहीं कर सकती। आज के समय में ऑगमेंटेड रियलिटी एक बहुत ही एक्टिव फील्ड है और फ्यूचर में हम इससे और भी एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स की उम्मीद कर सकते हैं। जैसे जैसे कंप्यूटर विजन हमारे आसपास के वर्ल्ड को समझने में और बेहतर होते जा रहा है, वैसे वैसे ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस भी और अमेजिंग और एक्साइटिंग होते जा रहे हैं। फ्यूचर में ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज़ करके हम अपने लिविंग एक्सपीरियंस को और भी एनहेंस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू गाइज एन्जॉयड द वीडियो। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा कोई भी अमेजिंग कंटेंट मिस ना हो। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।